थे जल महल, और जल महल में हमें देखा जल महल इस तरह से। यहाँ पे जल महल तो है लेकिन सिर्फ मार्केट है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो आधा पानी के अंदर जा चुका है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से अगर आप जल महल आओगे तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस इधर मार्केट है, अगर शॉपिंग वॉपिंग या कुछ खाना पीना है तो बस शॉपिंग कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो सिर्फ खा सकते हो और दूर से देख सकते हो। एक बार पास लेके जाना और दिखाना वहाँ पे। मुझे बताओ ना, देखो ऐसे करी, ये जो लाइन है आपस में जो ध्यान दे शॉपिंग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। बस आप कबूतरों को दाना डाल सकते हो और इधर कुछ जो राजस्थानी स्टाइल में होता है बस वही इधर देख सकते हो, और बाकी गोगल्स कुछ इस तरह से मार्केट लगी हुई आसपास और कुछ भी नहीं। तो जल महल कुछ इस तरह का दिखता है, शॉपिंग के लिए ठीक है। कुछ भी बैंगल्स बैंगल्स सॉस मछली के लिए फूड, और अगर आपके पास टाइम है तो आ सकते हो सिर्फ शॉपिंग के लिए। अगर आपको पोर्ट या फिर जल महल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है, जल महल कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप खड़े होकर देख सकते हो तो देख सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हो, नहीं तो उतना टाइम आप और कहीं भी वेस्ट कर सकते हो, और कहीं जा सकते हो। बाकी जल महल आपके सामने है, और फिश भी है, फिश किसी ने फिश तो आटा ऊपर डाल रखा है, मछली ऊपर आ रही खाने के लिए। Thank you.